न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हां, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के लिए। टाइगर स्टेट के बाद अब लेपर्ड स्टेट भी बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वन्य जीव प्रेमियों के लिए गुजरता हुआ साल एक और खुशखबरी देकर जा रहा है। टाइगर स्टेट के बाद अब मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट का खिताब भी हासिल हो गया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को राजधानी दिल्ली में वर्ष 2018 की लेपर्ड गणना की रिपोर्ट जारी की, जिसमें मध्य प्रदेश 3421 लेपर्ड के साथ टॉप पर रहा है। वर्ष 2018 में बाघों की गणना के साथ तेंदुओं की गणना भी की गई थी। टाइगर एस्टिमेशन की रिपोर्ट तो जारी कर दी गई थी, लेकिन तेंदुओं से संबंधित रिपोर्ट को रोक लिया गया था, जिसे सोमवार को जारी किया गया। वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि प्रदेश के लिए यह गौरव का क्षण है। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 3421 तेंदुओं की मौजूदगी के साक्ष्य मिले हैं और मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है। सूची में 1785 तेंदुओं के साथ कर्नाटक दूसरे नंबर पर रहा है। वहीं 1690 तेंदुओं के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में देश में कुल 12,852 तेंदुओं की मौजूदगी की बात कही गई है, जिनमें से लगभग 25% मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। गौरतलब है कि बड़वानी जिले में तेंदुओं की मौजूदगी अभी भी बनी हुई है।